ऐसे ग्रोह का भंडाफोड़ किया है जो एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करते थे। इस गिरोह पर 300 से भी ज़्यादा साइबर ठगी करने के आरोप हैं और देश में करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह की 6 सदस्य की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। इंस्पेक्टर साहब, एक गिरोह पकड़ा है जिसमें बता रहे हैं कि एयर एशिया के नाम पे उन्होंने ठगी की और चीट किया कि नौकरी लगवाएं, पूरा मामला है क्या, किस तरह से आपके संज्ञान में आया? सुभाष मौर्य जी हैं जो हमारे कंप्लेनेंट थे, NIT के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी थी कि बोल भाई, मैंने अपना जो डाटा है नौकरी के लिए रिज्यूम डाला था sign.com पर, naukri.com, sign.com जैसा कि रिज्यूम लेती हैं, और उस पर रिज्यूम डालने के बाद मेरे पास कॉल आती है कि बोल भाई, हम आपको नौकरी लगा देंगे। नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या नौकरी पे, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कई ऐसे स्टेप्स बनाकर उन्होंने स्टेप्स के नाम पर 3 अलग अलग खातों में उनसे 680,000 रुपये ले लिए थे, जो एयर एशिया में उसको वेंडर या ग्राउंड्समैन या इसी प्रकार की कई और नौकरियों का लालच दिया गया था। उसके पश्चात हमने उस पर टेक्निकल वर्क किया। टेक्निकल वर्क करने के पश्चात हमने इसमें दिल्ली, बिजनौर और संभल UP से 5 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिन पर लगभग 335 मुकदमे पूरे भारतवर्ष में मिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 118, राजस्थान के 33, तेलंगाना के 33, गुजरात के 27, इस तरह करके कुल 23 स्टेट्स में 335 इन पर कंप्लेंट्स और FIR निकली है। तो इसी सभी को इसी नौकरी लगाने का झांसा दिया इन लोगों ने सभी को, या अलग तरह का? इसी तरह से एयर एशिया में नौकरी लगाने के नाम पर ही वहाँ से रिज्यूम लेते और ये कॉल करते।